केवल भारतीय नजर में देखने को मिलता है। और वो उत्साह चल रहा है, पुरुष अपना चल रहा है, गति चल रही है, उत्साह है, आनंद है। लेकिन आप लोग यहां पर थोड़ा रुक गए, जमा हो गए और कुछ विचार सुनने के लिए यहां खड़े, ये अच्छी बात है। जोश में होश को नहीं खोना चाहिए, जोश पक्का रहना चाहिए, होश के साथ रहना चाहिए। क्योंकि हमारे गणेश जी कौन है? वो शक्ति के पुत्र है, पार्वती जी के पुत्र, वो साक्षात जगत जगत नहीं दोनों की जगदम्बा है और उनके परम भक्त है। एक बार देवों में सबसे श्रेष्ठ को ऐसा चला विचार तो सबने तय किया कि सारी पृथ्वी की तीन प्रदक्षिणा करके वो सबसे पहले आता है, वही श्रेष्ठ है। चलो आगे अपना अपने भाग लेकर लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर, सरस्वती जी अपने हंस वाहन पर बैठकर, कार्तिकेय जी अपना मोर लेके आए, विष्णु जी घरों पर आए, सब एक लाइन पर खड़े हो गए और सीधी बन गई। सबने पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए प्रस्थान दिया प्रयोग करती। अब गणेश जी के लाइन में खड़े हो गए थे, गणेश जी को पूछा, अरे आप इतना मोटे ताजे हो, आप कैसे दौड़ेंगे? तुम्हारा वाहन तो पूरा है, तो मजा देखने आए हो तो कुछ खेलोगे? तो हम भी खेलने के लिए ही आए। सब चले गए उनके, और सबके जाने के बाद शिव की साक्षी से पार्वती जी की तीन प्रदक्षिणा लगाई और बैठ गए कि मैं जीत गया। और निर्णय यही हुआ, बहुत सारी दुनिया के चक्कर हम लगाते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, इसका संशोधन उसका संशोधन करते हैं, लेकिन देखो जो मातृभक्ति करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो हम सब लोग यहां पर है, अपनी अपनी माता अपने अपने घर में है, लेकिन हमारी सबकी एक माता है, जगन माता के बाद कौन? भारत माता। देखो गणेश जी का ये त्यौहार पालन करना यानी भारत माता की भक्ति को सीखना। उसी में अपना दिग्विजय है, उसी में अपनी कीर्ति है, उसी में हम पक्का कल्याण। लेकिन केवल ऐसा करने से नहीं होता, लायक चाहिए। शक्ति के प्रतीक है, शक्ति के पुत्र है, साथ साथ बुद्धि के भी देवता है। बिना बुद्धि के शक्ति किस काम की? चंद्र के हाथ में तलवार गई, बंदर को पालने वाला था, बहुत अच्छा पाला था, वो बंदर से बात भी करता था, बंदर रास्ते से जा रहे थे, थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गया, सोते समय बंदर के हाथ में कुछ तलवार थी और कहा कि देखो मैं सो रहा हूँ, मेरी आंखें कुछ कर न दे, तुम मेरी रक्षा करो। सो गया बंदर से डरा। अब वहाँ बाकी तो कोई आया नहीं, एक मक्खी आई उसके नाक पर बैठी, उसने ऐसा किया, थोड़े दो चक्कर लगा के फिर आके बैठ गई, ऐसा किया तो बंदर को समझ में आया कि ये उपद्रव कर रही और इनसे रक्षा करनी है। तो उसने तलवार उठाई और जैसे ही नाक पर मक्खी मक्खी बैठी मार दिया, मक्खी तो उड़ गई, इसकी नाक कट गई। अब शक्ति का उपयोग बिना बुद्धि के नहीं होता, और इसलिए गणेश ये बुद्धि के देवता है। और केवल देवता नहीं, बुद्धि का उपयोग कैसा करते हैं? बुद्धि सबके बारे में बताती है, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, बुद्धि किसी को छोड़ती नहीं, सबका रहस्य पता चल रहा है, फिर भी पेट में रखना पड़ता है। बड़ा पेट चाहिए लंबोदर, इतना बड़ा अपना समाज है, इतने सब प्रकार के लोग हैं, सबको जोड़ना है तो सबके गुण समझना और गुणों की चर्चा करना, बात कभी
कष्ट है वो पेट में पचा लेते, समय समय पर उसको ठीक कर लेते। और यह सब ढांडी ऐसा ही लंबी नाक है, बारीक आंखें है, बड़े बड़े कान है, उनसे कुछ नहीं छुपा। कहा क्या चल रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन खराब सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है उसको आशीर्वाद है। लड्डू है बहुत लड्डू खाकर डायबिटीज हो गया तो 21 तक। लेकिन जो खराब सोचते हैं और अपने मन में जो खराब विचार है उनको बांधने के लिए पास है। और सारे समाज को अनुशासन में चलाने वाला और अपने आप को अनुशासन में रखने वाला अंकुश भी हाथ होगा। ये सारे लेकर गणेश जी हमारे पास आते दस दिन आते का कहा जा रहे मैं उनके रहने का स्थान बताता हूँ। वो 24 घंटा पूरे सृष्टि की आयु तक वही मिलेंगे। एक है अपने मूलाधार में, तुम मूलाधार स्थितो नित्यम। दूसरा है सारे दुनिया सर्वत, क्योंकि गणेश जी धननायक है, सबको जोड़ते हैं, सबको चलाते, सबको जो जोड़ता है वो सबके पास सदा रहता है और इसलिए वो सबको सदा चलता है, सदा सबके साथ चलता है, सदा सबको साथ चलाता है। ऐसे ये कनेक्टिव है, सावधान भी है। अपने देश को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। छोटी छोटी बातें बड़ी बातें नाकाम हो गई। हमारे देश को सबसे बल से लोगों ने जीतना चाह, हमारे देश को उतनी धन से लोगों ने जीतना चाह, कुछ काम नहीं करता। अब सूक्ष्म चल रहा है, इधर उधर कुछ दिखाएंगे, टीवी पर कुछ दिखाएंगे, चार लोगों को बुद्धिमान बनाकर कुछ लिख देंगे, भ्रम और आपस में झगड़ा कराना। सावधान रहो, अपनी बुद्धि भरमाए नहीं और हम अपने लोगों के बारे में भरमाए नहीं। हम सबको जोड़कर चले, वो संगठन के देवता है। गणेश जी संगठन के देवता है, उस संगठन की हमारे सारे समाज में आज आवश्यकता है और दिवस की आवश्यकता नहीं। हम सब संगठित है, इतना देख लेते हैं तो सज्जनों को राहत मिलती है और दुर्जन अपने भाग से चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, केवल दर्शन मात्र है। गणेश जी की भी प्रसिद्धि है, उनका स्मरण और दर्शन करने से कामना पूरी होती है। मानना भी नहीं पड़ता, स्मरण रखना पड़ रहा है। स्मरण रखो, हम सब एक समाज के लोग हैं, सर्वत्र नित्य वसने वाले आत्मा परमात्मा रूप गणेश जी को हम अपने घर में बुलाते हैं, दस दिन उनका आदरातिथ्य करते हैं, हमारे अपने हमारे जैसे बनकर वो हमारे यहां रखते हैं और फिर सारी दुनिया की चिंता करने के लिए निकल जाते हैं टूर पर, अगले साल फिर आएंगे। ऐसे गणेश जी उनकी हम पूजा करते हैं, यानी हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। पूजा यही है, ये पत्र फल पुष्प जल आदि प्रतीक है, परंतु उसके पीछे भाव यह है जिसकी पूजा करते हो वैसे बनो। हम सबको शक्तिमान बनना चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के दुनिया में अच्छी बात भी कोई नहीं सोचता। शक्ति किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कोई सताने वाला मारने वाला अपने को हाथ न लगाए। हमारी शक्ति सज्जनों का परित्राण करने के लिए है, हमारी शक्ति जो शक्ति दीन दुखियों का रक्षण करने के लिए है। हम कभी भी दूसरों को डराएंगे नहीं। ना भय जानता आप, ना भय दो तो काउ को, ना भय जानता आप। ऐसे दूसरे शक्ति पुत्र है हनुमान की, उनकी और गणेश जी की बड़ी दोस्ती है।
ये गणेश जी की पूजा करना यानी उनके जैसे शक्तिवान बनना, लेकिन शक्ति को बुद्धि का डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, और शक्ति और बुद्धि को अंतकरण में भारत माता की भक्ति यानी भारत का जल, भारत के जंगल, भारत के जन, भारत की जमीन, भारत के जानवर, इन सबके प्रति भक्ति भाव रखकर विचार करने वाला हृदय चाहिए, तो ये शक्ति और बुद्धि सर्वोपरि होगी और उसके साथ गणेश जी की उदार मनस्कता, सहनशीलता, सबके अपराध बचाने की और सबको दूर करने की बुद्धि और गणेश जी की लंबे नाथ वाली और उनका एक गुप्त सहज पाय वो जा नहीं सकता इस जगह में, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पकड़ के जाओगे मिलेगा नहीं। आजकल वो मूसक पिंजरे में नहीं बनते, ठीक है, वो सब तो नहीं आता है, सब की खबर आता है, ये सारी दुनिया की खबर रखना, लेकिन अपने में मगन रखना, रहना अपने में मगन रहकर सबके कल्याण का विचार करना, ऐसा हमको बनना है। इसलिए आज हम गणेश जी को बधाई दे रहे हैं, अभी जाइए, आपको काम पड़ेगा, जाइए, अगले साल जल्दी आइए, ऐसा उधर करके महाराष्ट्र में गणपति बापा मोरया उल्टा वर्षीय होकर अगले साल जल्दी आओ, ऐसा कहते कभी कभी अधिक महीना भी इतने आ जाता है, लेकिन आए अभी जाने रहे, क्यों आते हैं बार बार प्रति वर्ष, उनको लगता है इनके घरों में इनके साथ इनके जैसा बनकर रहेगा तो मेरी कुछ अच्छी बातें ये सुन जाएंगी। एक आदमी सत्री के साथ था तो अच्छी बातें सीखता है कि दूसरे की बुरी बातें लेता है, तो देखने की बात है, गणेश जी को डर नहीं, वो तो भगवान है, उनको बुरा छूटता नहीं है, जहां वो है वहां बुरा लेता नहीं, लेकिन हमको उनका सीखना है, सबको देखो सबकी अच्छी बातें कर दो, पूरी बातों की उपेक्षा करो, अगर आप उसको समाप्त कर सकते हो प्रेम से दोस्ती से करो, लेकिन सबको बोलो, सबके जुड़ने में ताकत है, वो ताकत खड़ी करो, सबके जुड़ने में विश्व कल्याण की बुद्धि है, उस बुद्धि को जागरूक करो और ये सारा काम करते समय अपनी बेटे पर अपना स्वार्थ नहीं देखना, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम भारत माता के लिए कर रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिलदार रहे न रहे, इस वृत्ति से करना, ऐसा गणेश जी ने किया, इसलिए पृथ्वी पर छिड़ा की होड़ में वो सर्वाधिक गुण प्राप्त पर विजयी हो गए, वैसे हम भी विजयी होंगे, गणेश जी को केवल त्यौहार की वस्तु नहीं बनाना, जीवन में अनुकरण की वस्तु बनाएंगे, ये अगर हम करेंगे तो इस अनंत चतुर्दशी के और गणेश जी को विदाई देने की यात्रा का साल होगा ऐसे मानूंगा, और अगर इस यात्रा में सहभागी आप सब लोग ऐसे बन रहे हैं ऐसे मुझे पता चला, तो आप सब लोगों के दर्शन करके आप सब लोगों को हाथ जोड़कर कृतार्थ कृतज्ञ होने के लिए फिर एक बार आऊंगा, नमस्कार, धन्यवाद।